الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم कुरान मजीद की तफसीर का सिलसिला ये हमारी दूसरी नशिस्त है और तफसीर के लिए जिस सूरत का इंतखाब हुआ है वो सूरतुन नूर है, आठवें 18वें पारे का सूरा सूरतुल मुमिनून के बाद। इस सूरे में 9 रुकू हैं और 64 आयतें हैं। इस सूरे के नाजिल होने का के वक्त अरब लोगों का हाल क्या था कि सूरतुल मुबारका नाजिल होने से पहले अरब के रहने वाले कुफार अगरचे के गैरतमंद थे, खुददार थे, उसके बावजूद भी उनके अंदर बहुत सी अखलाकी बुराइयां पैदा हो चुकी थीं। अखलाकी बुराइयां क्या पैदा हुई और इस्लाम कैसी उसमें रहबरी किया, उसका अंदाज़ा इससे हो सकता है कि अरब में बदकारी और बेहयाई कोई ऐब शुमार नहीं की जाती थी। कोई मर्द किसी औरत से, कोई औरत किसी मर्द से, हत्ता कि एक औरत एक से ज़ायद मर्दों से भी ताल्लुक़ रखे तो उसे ऐब नहीं समझा जाता था। दूसरी बुराई ख़ानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर शेर शायरी करने वाले मजमे आम में अपनी महबूबा और मुखालिफ गिरोह की, चाहे बहू हो बेटी हो, उन सब पर तोहमतें लगाते और सुनने वाले उसे मज़े लेकर सुनते। तो किसी ख़ानदान की औरत पर तोहमत लगाना, किसी की बहू बेटी पर इल्ज़ाम लगाना कोई ऐब की बात नहीं थी बल्कि मजमे की जीनत समझी जाती थी। तीसरी बुराई ये थी कि मक्का मुकर्रमा की बनिस्बत मदीना मुनव्वरा के लोग पढ़े लिखे थे, तरक्की याफ्ता समझे जाते थे, उसके बावजूद भी मदीना मुनव्वरा में अखलाकी गिरावट की हालत ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाने से पहले मदीने में बाकायदा कहबा काना चलता था, फाहिशा औरतों के अड्डे चलते थे और जो औरत इस तरह के जिस्म फरोशी का धंधा करना चाहती अपनी छत पर वो झंडा लहराती ताकि जो भी बदकारी करना चाहे उसे मकान तलाश करने में दुश्वारी भी ना हो। जिस मकान पर झंडा लगा है गोया वो मकान बदकारी का अड्डा है, आदमी सीधे वहाँ पहुँच सकता है। अब आप इससे अंदाज़ा करें इस्लाम आने से पहले कैसी बेहयाई थी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के काफिरों में। चौथी बुराई ये थी कि मुआशरती आदाब बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। कोई भी आदमी किसी के घर में जाना हो इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं समझता, बिलख़ुसूस जो मज़हबी पेशवा होते थे, ईसाई पादरी हैं, यहूदी पोप हैं, वो लोग अपना हक़ समझते थे कि हम किसी के भी घर में बग़ैर इजाज़त के जा सकते हैं। पांचवी बुराई ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने से पहले उस ज़माने के काफिरों में कि बड़े ख़ानदान का आदमी अगर बदकारी कर लेता, किसी औरत के साथ उसकी इज़्ज़त लूट लेता तो कोई जुर्म शुमार नहीं होता, उस पर कोई क़ानून लागू नहीं होता। गरीब या कमज़ोर ख़ानदान का आदमी अगर यही जुर्म करता तो फिर उस पर कोड़े लगाए जाते, उसे सज़ा दी जाती। तो ये पस मंज़र है कि अरब के ज़माने का हाल बहुत ही अखलाकी गिरावट में था। उस हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सूरा नाजिल फरमाया जिसमें अल्लाह ने पाकीज़ा सोच, एक अच्छे किरदार, चोरी का की सज़ा, बदकारी की सज़ा, तोहमत लगाने की सज़ा और सज़ा नाफिस करने की अहमियत, चादर और चार दीवारी की का तहफ़ुज़, ये सब तालीमात अल्लाह ने इस सूरत में अता फ़रमाई।
इस सूरह का मरकज़ी किरदार क्या है? मरकज़ी मज़मून इस सूरह का ये है कि मुसलमान औरत की इफ़त और इस्मत और इसकी इज़्ज़त बहुत अहम चीज़ है और घरेलू ज़िंदगी की जान है किसी भी औरत की इज़्ज़त। ये बुनियादी नुक्ता है। इस्लाम ने मुआशरे की बुनियाद ख़ानदान को करार दी है और ख़ानदान का निज़ाम सही उसूलों पर कायम तभी रह सकता है जबकि मुआशरे की इस्लाह हो, और मुआशरे की इस्लाह होती है औरत की इज़्ज़त महफूज रहने से। जिस समाज में औरत की इज़्ज़त ख़तरे में हो वह समाज कभी, वो मुआशरा कभी सही मुआशरा नहीं बन सकता। चुनांचे इस सूरत के नाजिल होने का पस मंज़र हम समझ सकते हैं कि मदीना मुनव्वरा में इस्लामी ममलकत तश्किल नहीं पाई थी। मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों की हैसियत कोई ऐसी नहीं थी कि वो सियासी पार्टी बना सकें, एक बड़ा ग्रुप बना सकें। तो कोई भी गुनाह हो जाता था या कर लेते थे तो मुजरिम को सज़ा देने का भी तरीक़ा हाथ में नहीं था, क्योंकि पावर हमारे हाथ में नहीं है। मक्के में ख़ुद मुसलमान ख़तरे में हैं और काफिर उन पर जुल्म कर रहे हैं। चुनांचे सूरह निसा की आयत नंबर 15 और 16 में जो मक्के में नाजिल हुई या मदीना मुनव्वरा में इब्तदाई अहवाल में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम्हारी औरतें बेहयाई का काम करें और उस पर गवाह भी मौजूद हो और गवाही देने वाले गवाही भी दे दें तो उन औरतों को घर में क़ैद करके रख दो, यहाँ तक कि मौत उनको आ जाए या वो पूरी ज़िंदगी वहीं पर गुजारें, जब तक कि अल्लाह ताला उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं निकालता, कोई सज़ा नहीं होगी। बस औरत को घर से बाहर मत निकालो, क्योंकि बदकारी जब हो जाती है फिर वो औरत बाहर नज़र आती है तो फिर लोगों का दिमाग फिर बदकारी की तरफ मुतवज्जे होता है। तो शुरू में अल्लाह ताला ने यह तरतीब बताई कि बदकारी ख़त्म करने के लिए किसी भी औरत से इस तरह का गुनाह हो जाए तो उसे घर में क़ैद कर दिया जाए, क्योंकि बदकारी ख़त्म करने के लिए कोई सज़ा, कोई हालत और कोई पावर हमारे हाथ में नहीं था। तो इस वास्ते ताज़ीरात और हदूद वाला मामला मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा की इब्तदाई ज़िंदगी में नहीं था। चुनांचे इस सूरत के नुज़ूल से अल्लाह ताला ने सूरह नूर नाजिल फरमा कर जब मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की ऐसी हालत बन गई कि अब वो एक कम्यूनिटी कायम कर सकते हैं, एक कम्यूनिटी बना सकते हैं, अपना पावर चला सकते हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इंतज़ामी उमूर, इज्तमाही और सियासी उमूर और मुआशरे की दुरुस्तगी के अहवाल भी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए और उस मुतालिक भी अहकाम उम्मत को दिए। चुनांचे जिस माहौल में यह सूरा नाजिल हुआ, मक्का मुकर्रमा से सहाबा हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके थे और मदीना मुनव्वरा में चूँकि पढ़े लिखे लोग तो थे लेकिन यहूदी और मुनाफिक ये अल्लाह के नबी और सहाबा के पीछे बहुत हाथ धो के पड़ चुके थे। हर बार तंग करना, प्लानिंग करना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर और आपके घर वालों पर अखलाकी किरदार पर हमला करना, तोहमतें लगाना, अशआर में छेड़छाड़ करना, ये सब बदतमीज़ियाँ मदीना मुनव्वरा में सहाबा की बीवियों के साथ किए जाने लगे। ऐसे मौके पर दो बड़ी बातें पेश आई मदीना मुनव्वरा में। एक चीज़ तो ये हुई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की मुतल्लका बीवी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, तो वह एक बड़ा हंगामा हो गया कि अपने बेटे की बीवी से, गोया के रिश्ते में जो बहू लगती है उससे खुद खुसर ने निकाह कर लिया। तो अल्लाह ताला ने उस मौके पर उम्मत की रहबरी के लिए सूरह अहज़ाब के 6 रुकू अल्लाह ने नाजिल फरमाए और पूरी उसमें उम्मत की रहबरी फरमाई कि मुंह बोला बेटे की हैसियत क्या होती है, अडॉप्ट किए हुए बेटे को हकीकी बेटा माना जाएगा या नहीं होगा।
और यहाँ दूसरा वाक़िया पेश आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवी ज़ौजे मुतहरा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगी कि वो किसी गैर मर्द के साथ नामुनासिब हरकत में मुबतला हो गई, और 100% झूठी तोहमत थी। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इस तरह के मुआशरती इल्ज़ामात लग रहे थे, उन मुआशरती अहकामात पर भी आयतें नाजिल फरमाकर एक तो नबी और सहाबा की पाकी और सफाई भी बयान फरमाई, और दूसरा अल्लाह ताला ने मदीने में सहाबा को पावर हासिल होने का मरहला होते हुए मुआशरे को सुधारने के लिए भी, गुनाहों को रोकने के लिए भी, क्राइम्स को रोकने के लिए भी अल्लाह ताला ने निज़ाम कायम फरमाया। चुनांचे जब यह सूरह सूरतुन नूर नाजिल हुआ और इसमें औरतों को और मर्दों को मुआशरती ज़िंदगी की जब अहकामात सिखाए गए तो मदीने का मुआशरा अमन वाला बन गया, शर्म हया वाला बन गया। सदियों से जारी मुआशरती रसूमात इंतहाई बदलना जिसे मुश्किल था, इस सूरह के नाजिल होने के बाद जब खोल खोल कर हर हुक्म बयान किया जाने लगा तो मुसलमानों का समाज एक दीनदार समाज बनना शुरू हो गया। इस सूरह में अल्लाह ताला ने क्या क्या बातें बयान फरमाई हैं, पहले सूरह का मुख्तसर सा तारुफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इस सूरह के शुरू में जो बदकारी से मुतालिक सख्त वईद बयान फरमाई है उस मुतालिक थोड़ा सा हम मालूम कर लेते हैं। सूरह के मजामीन क्या हैं, इस सूरह में अल्लाह ने क्या क्या टॉपिक्स बयान फरमाए हैं। इस सूरह में अल्लाह ताला ने पहला हुक्म है गैर शादीशुदा जो लोग होते हैं वो अगर बदकारी में मुबतला हो जाएं तो फिर उन्हें क्या सज़ा देनी चाहिए, तो उसमें अल्लाह ने बयान फरमाया कि 80 कोड़े मारे जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ने दूसरा हुक्म बयान किया कि बदकारी करने वाला अगर मर्द वो बदकारी करने वाली औरत के साथ ही निकाह करना पसंद करता है, पाक बाज रहने वाले मर्द और औरतें गंदी फितरत वाले मर्द और औरतों से निकाह करना पसंद नहीं करते, और फिर अगर कोई किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगा दे तो उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे और उसकी गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जब तोहमत लगी तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने सफाई भी नाजिल फरमाई और तोहमत लगाने वालों को कोड़े भी लगाए गए। पांचवी बात अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाई कि एक दूसरे के घरों में अगर दाखिल होना हो तो बग़ैर इजाज़त के दाखिल होना दुरुस्त नहीं है, घरों में दाखिल होने के अहकामात अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। छठी बात यहाँ पर यह तालीम दी गई कि मर्द मुसलमान मर्द हो या मुसलमान औरत हो, अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की कोशिश करें। और इस सूरह में अल्लाह ताला ने सातवीं बात यह बयान फरमाई कि अल्लाह ताला की कायनात और उसकी दुनिया में गौर करना, ईमान वाले की अहमियत और उसका नूर कैसा होता है, कुफ्र में रहने वाले शख्स की मिसाल क्या होती है। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर तिजारत करते हुए अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं रहना, नमाज का वक्त पर एहतमाम करना, दीन और शरीयत की तालीमात पर चलना, तो ऐसे लोगों का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया और उनकी तारीफ़ फरमाई। और उसके बाद इस सूरह में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ बुलाया जाए तो हर किस्म की रुकावटों को दूर करते हुए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में लगे रहना। और फिर सूरह के आखिर में अल्लाह ताला ने घर के मुलाजिमों को और नाबालिग बच्चों को घर में आने के लिए इजाज़त लेकर आना,
یہ امور اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں ذکر فرمائے. گیارہویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھلایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح کسی عام آدمی کو پکارتے ہو. بڑے لوگوں کو بلانے کا ادب و احترام سکھایا. تو مجموعی طور پر اگر اس سورے میں جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں اسے اگر ہم اندازہ کر سکتے ہیں تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بدکاری کی سزا اور احکام اور سزا کے احکام نافذ کرنے میں مداہنت اور کوتاہی کرنے کا وبال اللہ کے احکامات نافذ کرنے کی برکتیں معاشرہ امن اور شانتی کے ساتھ رہنے کے لیے کون سے اصولوں کی پابندی ضروری ہے بدکاری گویا کہ شرک کے برابر گناہ ہے تہمت لگانے کی سزا شادی ہونے کے بعد میاں بیوی اگر نامناسب حرکت کر لیں تو اس کی سزا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا تفصیلی واقعہ منافقین کی شرارت شر کے واقعے سے بھی اللہ تعالیٰ خیر کا پہلو منافقین کے سردار کا انجام ہر مسلمان کے بارے میں اچھے گمان کی تاکید کوئی بھی الزام ثابت کرنا ہو تو چار گواہوں کی شرط مومن بھولی بھالی خواتین پر کیچڑ اچھالنے والوں کی سزا خبیث اور گندی فطرت رکھنے والوں کے لیے گندا نظام اور گندی سوچ گھر میں داخل ہونے کے آداب اجازت لے کے آنے کی برکتیں نگاہوں کو نیچے رکھنے کی برکت اور ہدایت عورتیں کس درجے تک زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں اجتماعی توبہ کا حکم نوجوانوں کو جلدی نکاح کرنے کی ترغیب نکاح نہ کرنے کا نقصان بیرا روی اور بازاری پن کے پیشے کی مذمت کفر اور اہل کفر کی ظاہری اور باطنی مثال کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کا ذکر کرتی ہے اللہ اور رسول کی تابعداری کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لیے زمینی خلافت اور سلطنت اور حکومت ملنے کا وعدہ خلافت راشدہ کا تذکرہ اور اس کی حقانیت پردے کے تین اوقات جو نابالغ بچوں کو بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آنا چاہیے بوڑھی عورتوں کے لیے پردے اور زینت کے متعلق احکامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب سے پیش آنے کا معیار یہ بہت سے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بیان فرمائے ہیں. اب اس سورے کی پہلی آیت اور دوسری آیت کا ترجمہ اور خلاصہ دیکھیں. سورۃ النور کی پہلی آیت ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے وفرضناها اور ہم نے مقرر کر دی ہے وانزلنا فیها آیات بینات اور اس سورے میں ہم نے کھلی ہوئی آیتیں یعنی کھلے ہوئے احکام نازل کیے ہیں لعلکم تذکرون تاکہ قرآن کے ان احکامات کو دیکھ کر تم کچھ نصیحت حاصل کر سکو. دوسری آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. بدکاری کرنے والا مرد بدکاری کرنے والی عورت ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے لگاؤ. ولا تاخذکم بهما رأفۃ فی دین اللہ ان پر اللہ کی شریعت اور اللہ کا حکم اور حد جاری کرنے میں کسی پر ترس نہ کھاؤ کسی پر رحم مت کرو جب یہ جرم کر لیتے ہیں
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو گنہگار اور مجرم کو سزا دو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورت کو سزا دیا جائے تو اس کی سزا کے موقع پر ایک بڑی جماعت بھی دیکھے کہ بدکاری کرنے والے لوگوں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ ہوا قرآن مجید کی اس آیت کا خلاصہ ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا جیسے بہت سے سورہ قرآن مجید کے نازل فرمائے، اور دوسری بات اللہ نے دیگر سورتوں میں جیسے مختلف احکامات بیان فرمائے ویسے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بھی مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھلی کھلی بات اور کھلے کھلے احکام نازل کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی ہماری بتائی ہوئی تعلیمات سے غفلت برتے گا اور اسے بیکار اور فالتو سمجھے گا تو پھر وہ خود خسارے میں رہے گا۔ یہ احکامات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ چنانچہ اس سورے کا پہلا جو نقطہ ہے وہ پہلا نقطہ ہے بدکاری سے متعلق، کہ شادی ہونے کے بعد یا شادی ہونے سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد یا بالغ ہونے سے پہلے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی کوئی غلط راستے پہ چل جاتے ہیں تو غلط راستے پر چلے جانے والے لوگوں کو کیا سزا دینی چاہیے، کیا ان کی غلطی معاف کر دی جائے گی یا انہیں سزا دی جائے گی۔ اس سورے میں ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سورے کی ابتدا سورے میں آیت نمبر دو کی ابتدا فرماتے ہیں الزانیت والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں کو کوڑے مارو، میاں تجلدہ 100 کوڑے مارو۔ یہاں پہلی بات ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عورت کا تذکرہ کیا بعد میں مرد کا تذکرہ کیا، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، یہاں پر اللہ نے بدکاری کرنے میں عورت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اس کی وجہ مفسرین لکھتے ہیں سماج میں کوئی بھی اخلاقی برائی ہوتی ہے، کوئی بھی لڑکا یا مرد غلط راستے پر چل جاتا ہے تو اس میں عورت کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عورت اگر اپنے آپ کو حفاظت سے باہر کر دے، وہ آزادی کے بہانے اپنے محفوظ قلعے اور باؤنڈری سے باہر آ جائے تو پھر اس صورت میں اس عورت کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پہلے اس واسطے کیا کہ بدکاری پھیلنے میں، بدکاری پھیلانے میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا دخل زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے رسومات میں مرد رسومات میں کم رہتے ہیں، عورتیں زیادہ رسومات میں رہتی ہیں۔ بے پردگی کے موقع پر آپ بازاروں میں دیکھ لیں کہ مرد کا لباس کیسے رہتا ہے، عورتوں کا لباس کیسے رہتا ہے۔ ایسے ہی فلموں میں اور سیریلوں میں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مرد کا ڈریس پھر بھی پورا جسم چھپا رہتا ہے، عورتوں کو ایسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں جس سے جسم چھلکتا ہو۔ اگر بالفرض مرد اگر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر بھی مارکیٹ میں آ گیا، باہر آ گیا، تو بھی اس سے اتنی برائی نہیں پھیلتی جتنا کہ عورت چھوٹے کپڑے پہن کر باہر آنے سے برائی پھیلتی ہے۔ مرد کا کسی کو دیکھ کے مسکرانے سے اتنا پریشانی اور مصیبت نہیں ہوتی جتنا عورت کسی کو دیکھ کر مسکرا دے تو پریشانی اور مصیبت ہوتی ہے۔ تو ایک بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ برائی پھیلنے میں عورتیں اگر چاہیں کہ ہمارے عزتیں محفوظ رہیں اور سماج برائی سے محفوظ رہے تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن عورتیں خود جب غلط فہمی میں اور کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں اور کسی غلط نعرے لگانے والے کے نعرے سے متاثر ہو کر میرا جسم میری مرضی،
हमें मर्दों के बराबर आज़ादी चाहिए, मर्द जॉब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मर्द ऐसे कपड़े पहन सकता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती, मर्द अगर अपने बाल काट सकता है तो मैं क्यों नहीं काट सकती, मर्द टाइट कपड़े पहनता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती, मर्द शराब पी सकता है तो मैं क्यों नहीं पी सकती। यानी तमाम बुराइयों और बदकारियों में मर्दों के बराबर चलना जब शुरू की औरत ने, तो उस वक्त से समाज में अखलाकी बुराइयाँ और बदकारियाँ आम होना शुरू हो गई। दूसरी बात यह समझना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ज़माने जाहिलियत में बहुत घिनौनी और घटिया रस्म थी। कैसी घटिया रस्म थी, आप इस्लाम का एहसान माने, बिलखुसूस औरतों पर इस्लाम का कितना बड़ा एहसान है। आप देखें हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले अरब का ऐसा घटिया माहौल था कि वहाँ पर छोटी ज़ात वाली औरतें ऊंचे नस्ल वाले बच्चे जन्म देने की खातिर ऊंचे ख़ानदान वाले मर्दों से ताल्लुक़ रखा करती थी, जबकि उस औरत की शादी हो चुकी है फिर भी वो दूसरे मर्द से ताल्लुक़ इस वास्ते रखती है कि मेरे पेट में ऊंचे ख़ानदान वाले बच्चे पैदा हों। चुनांचे हदीस पाक में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़ुद औरत हैं, औरत होते हुए ज़माने जाहिलियत का मंज़र बयान फरमाती हैं कि इस्लाम आने से पहले काफिरों में इतनी घटिया रस्म थी कि एक औरत 9 मर्दों से बैक वक्त ताल्लुक़ रखती थी। इस्लाम आने के बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से तमाम तरह के घटिया रसूमात और घटिया हरकतों को ख़त्म फरमा दिया। सिर्फ़ एक तरीक़ा अल्लाह ने जारी रखा, वो है निकाह का तरीक़ा, और निकाह में भी एक औरत बैक वक्त एक ही मर्द के निकाह में हो सकती है, एक से ज़ायद मर्दों से निकाह करना औरत के लिए जायज़ नहीं है। चुनांचे अल्लाह ताला ने औरत की इज़्ज़त और उसकी इस्मत, औरत की हया और पाकदामनी की अहमियत के पेश नज़र इस सूरे का पूरा नुक्ते नज़र है औरत की पाकदामनी का मसला। आप आगे सूरे की तफसीर की आयतों के ज़ैल में भी सुनेंगे कि औरत की पाकदामनी की अहमियत इस्लाम की नज़र में कितनी है। चुनांचे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी निकाह के अलावा दूसरे तरीक़ों को इख्तियार करेगा, दूसरे तरीक़ों से अगर आदमी गंदे ताल्लुकात अगर शुरू करेगा, उससे एक नुकसान तो ये होगा कि औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी, दूसरा नुकसान ये होगा कि नस्ल का मसला हो जाएगा, पैदा होने वाला बच्चा किसका बेटा है मालूम नहीं होगा, तीसरा नुकसान ये होगा कि प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा। अपनी औलाद को प्रॉपर्टी देना तो समझ में आता है, हराम की औलाद को प्रॉपर्टी देना कैसे समझ में आएगा। और अपनी औलाद की वजह से रिश्ते नाते कायम हो सकते हैं, मेरे बेटे की बीवी, मेरे बेटे की सास, मेरे बेटे की फलां, इस तरह रिश्ते नाते औलाद की वजह से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हराम औलाद की वजह से रिश्ते नहीं जुड़ते हैं। औलाद की वजह से जो मोहब्बत ख़ानदानों में आती है वो हराम औलाद की वजह से मोहब्बत ख़ानदानों में नहीं आती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह इसरा में फरमाते हैं, फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसा सबीला। सुनो, बदकारी के करीब भी मत जाओ, बदकारी ये बहुत बड़ी बेहयाई की बात है और बहुत बुरा रास्ता है। बदकारी करने वाले के मुतालिक फरमाया जिना और बदकारी के करीब भी मत जाओ, दूर भी ना भटको, ना फ़ोन इस्तेमाल करो, ना चैटिंग करो, ना ऑनलाइन किसी से बातचीत करो, घर पे आने वाले मर्द से भी नर्म आवाज़ से बात मत करो। सहाबा को हुक्म दिया गया कि अगर नबी की बीवियों के घर आओ और नबी की बीवी से भी कोई बात करना हो या कोई पूछना हो तो सादा ज़बान में पूछो, और जितनी बात करना है उतनी ही बात करो और चलते बनो।
आप बताइए सहाबा और अजवाज मुतहरात उम्मत की माएँ, यहाँ कोई गुमान नहीं है गंदगी का, लेकिन फिर भी अल्लाह ने तालीम और ताकीद फरमाई, एहतियात से रहने की तालीम फरमाई। अल्लाह ने इसे फरमाया फाहिशा, बहुत घटिया काम है, नामुनासिब ताल्लुकात, वसा सबीला और बहुत बुरा रास्ता है। आज देखें स्कूलों और कॉलेजों का हाल क्या है, कंपनियों और ऑफिसों का हाल क्या है, कि लोग कैसे कैसी दोस्तियां बना लेते हैं, कॉलेज लाइफ में आदमी कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, उसकी वजह से कितने नामुनासिब वाकयात पेश आ जाते हैं। इस आयत की तफसीर में अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बदकारी करने से इंसान का नसब ख़राब हो जाता है, आदमी यकीन से नहीं कह सकता कि मेरी औलाद कौन है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि कभी कभार बदकारी करने के नतीजे में औलाद पैदा होती है, तो लोग अपनी इज़्ज़त और अपना नाम बचाने की खातिर उस बच्चे को मार देते हैं, क्योंकि अगर पैदा हो गया तो हमारी इज़्ज़त जाएगी, तो इस वास्ते लोग कभी अबॉर्शन करा लेते हैं और कभी बच्चा पैदा होने के बाद कचरा कुंडी में फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि हमें इज़्ज़त भी बचाना है, चाहे उससे एक बच्चा मारा जाए। अगर वही शादी के बाद औलाद पैदा होती तो उसके लिए हज़ारों रुपए खर्च करके उसकी हिफाजत करते, लेकिन अगर शादी के बग़ैर पैदा होती है औलाद, तो फिर उसकी ज़िंदगी की भी अहमियत नहीं होती। दूसरा नुकसान ये होता है, जब कोई औरत गलत रास्ते पे चल पड़ती है तो फिर उस औरत के साथ किसी की हमदर्दी नहीं होती। हर शख्स क्या करता है, जब उस औरत से ख्वाहिश पूरी होनी हो तो उसके साथ मोहब्बत दिखाता है, और जब वो औरत मुसीबत में हो परेशानी में हो तो इसे कोई मसला नहीं होता, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत और ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, तो औरतों से हमदर्दी ख़त्म हो जाती है। अगर वही शादी के बाद अगर यही बात पेश आती है कि मियाँ बीवी ज़िंदगी का ये वजीफ़ा पूरा करते हैं, तो औरत की बीमारी, उसकी मुसीबत, उसकी परेशानी में मर्द साथ देता है। वही नामुनासिब ताल्लुकात में कोई मर्द किसी औरत का हमदर्द नहीं बनता है। तीसरा नुकसान ये होता है, जब औरतों में इस तरह की बीमारी या मर्दों में इस तरह की बीमारी आ जाती है, तो फिर वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। शरीफ मर्द और शरीफ औरत के साथ ज़िंदगी गुजारना उनके लिए भारी पड़ जाता है, क्योंकि मिजाज में पहले से आज़ादी आ चुकी है, कभी यहाँ घूमना, कभी वहाँ घूमना, कभी इसके साथ मजाक, कभी उसके साथ मजाक, दोस्तों के साथ खेल कूद करना, इन सब में उन्हें मज़े आने की आदत पड़ चुकी है। अब एक शोहर के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारो, एक बीवी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारो, ये गोया उनको जेल खाना लगता है। इस वास्ते जिन लोगों को ऐसी लत लग जाती है, वो घरेलू ज़िंदगी पसंद नहीं करते, वो बाज़ारी ज़िंदगी पसंद करते हैं। चौथा नुकसान ये होता है कि जब अगर माशरे में बदकारी बुरी ना समझी जाए, तो रास्ते में चलती हुई औरत की भी इज़्ज़त महफूज नहीं रहती। कोई औरत चाहे सुबह हो शाम हो कभी भी बाहर निकले, हमेशा वो ख़तरे में रहती है। जैसे जानवर होते हैं, जानवरों का एक जानवर का दूसरे जानवर से ताल्लुक़ रखना वो कोई इंसानियत की तरह नहीं होता है। पहले मंगनी हो, फिर उसके बाद रस्म हो, फिर अंगूठी पहनाई जाए, फिर उसके बाद दोनों ख़ानदान के लोग बैठ के बात करें, फिर उसके लिए शादी के इंतज़ामात किए जाएं, फिर नए जोड़े के लिए कमरा तैयार किया जाए, फिर उनके अखराजात और पैसे का इंतज़ाम किया जाए, फिर अगर डिलीवरी के मसले हों तो ख़ानदान के लोग साथ दें, हॉस्पिटल जाएं, वहाँ के इलाज में खड़े रहें। ये सब प्रोसेस जानवरों में नहीं होता है। कभी नहीं देखा होगा किसी जानवर की मंगनी होते हुए, कभी नहीं देखा होगा किसी जानवर की बारात निकलते हुए। तो जब बदकारी की आदत समाज में आ जाती है, तो फिर समाज भी जानवरों की तरह हो जाता है। और पांचवा नुकसान ये होता है, ख़ानदानी निज़ाम बिखर जाता है। जब औलाद हराम की पैदा होती है तो उन बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं होती।
ऐसी औरतें औलाद पैदा होने के बाद भी बच्चों को गली कूचे के हवाले कर देती हैं, वो सड़कों पर भीख मांगते हुए बच्चे ज़िंदगी गुजार लेते हैं, और उसको जन्म देने वाली माँ कोठे पर जिस्म बेचकर ज़िंदगी गुजारती है। ना बेटे पर माँ को तरस आता है, ना माँ ना बेटे को माँ का ख्याल होता है कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। इस गलत रास्ते की वजह से इंसानियत भी ख़त्म हो जाती है। और छठवां नुकसान ये होता है, जब ये बुरी आदत इंसान में आ जाती है नामुनासिब ताल्लुकात रखने की, तो फिर औरत के अंदर जो सबसे बड़ा जौहर, औरत का सबसे बड़ा हीरा, वो है उसकी हया और शर्म। और इस गलत रास्ते और गलत ताल्लुक़ की वजह से औरत का वो जौहर ख़त्म हो जाता है। फिर ख़ुद औरत भी किसी से बात करने, किसी से मजाक करने, किसी को छेड़ने, औरत भी कभी शर्म हया महसूस नहीं करती है कि मैं औरत होते हुए किसी से कैसे बात करूं, किसी से मजाक कैसे करूं, किसी से छेड़ कैसे करूं, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। ये सब किस वजह से होता है? नामुनासिब ताल्लुकात जब समाज में बुरे नहीं समझे जाते हैं बल्कि फैशन समझे जाते हैं, आज़ादी समझे जाते हैं, तो फिर ये बुराइयाँ समाज में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक बहुत ही नसीहत आमोज़ वाक़िया पेश आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नौजवान आया, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से इजाज़त मांगा। क्या इजाज़त मांगा? या रसूल अल्लाह, मुझे बदकारी करने की इजाज़त दीजिए। सहाबा बैठे हुए थे, जब वो दूर से खड़े होकर, आप समझ सकते हैं शरीयत इस्लामिया में जब बदकारी क्या, बदनज़री हराम है, किसी लड़के को या किसी लड़की को घूरना और देखना हराम और नाजायज़ है, पर्दे के सख्त अहकामात हैं, फिर क्या कोई सहाबा की मौजूदगी में अल्लाह के नबी से डायरेक्ट बदकारी करने की इजाज़त मांग सकता? सहाबा नाराज़ हो गए, उसे डांटने लगे, नफ़रत का इजहार करने लगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से फ़रमाया, करीब आ जाओ। वो करीब आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे पास बैठो। वो बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको समझाने के लिए सवाल जवाब शुरू किए। क्या सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या तुम ये काम यानी बदकारी और ज़िना अपनी माँ के लिए पसंद करते हो कि कोई दूसरा आदमी तुम्हारी माँ के साथ बदकारी करे? नौजवान कहने लगा, या रसूलल्लाह, हरगिज़ नहीं पसंद करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दूसरे लोग भी इसी बुराई को अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। तुम मुझसे इजाज़त मांग रहे हो, जिस औरत के साथ तुम बदकारी करोगे हो सकता है वो किसी की माँ हो। फिर आपने पूछा, क्या तुम अपनी बेटी के हक़ में पसंद करोगे कि तुम्हारी बेटी के साथ मुँह काला किया जाए? तो नौजवान कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं आप पर क़ुरबान हो जाऊँ, हरगिज़ नहीं चाहूँगा। तो आपने फ़रमाया, दूसरे लोग भी अपनी बेटियों से बदकारी कैसे पसंद करेंगे? तुम जिससे बदकारी करना चाहते हो किसी की बेटी होगी, तो उसके बाप को कितना गुस्सा आएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम अपनी बहन के लिए पसंद करते हो कि तुम्हारी बहन की कोई बदकारी करे और मुँह काला करे? नौजवान कहने लगा, अल्लाह की कसम, या रसूल्लाह, मैं हरगिज़ इसे पसंद नहीं करता। तो आपने फरमाया, जिससे तुम बदकारी करना चाहते हो वो भी तो किसी की बहन होगी, तो उसके भाई को कितना गुस्सा आएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम अपनी भाई से चीज़ पसंद कर रहे, तो अपनी फूफी से चीज़ पसंद करना चाहते हो कि तुम्हारी फूफी के साथ इस तरह की हरकत हो? तो नौजवान कहने लगा, या रसूल, हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा। तो आपने फरमाया, तुम जिससे सोहबत करोगे वो भी किसी की फूफी होगी। फिर आपने खाला का हवाला दिया, क्या तुम्हारी खाला से ये काम हो, ये पसंद करते हो? जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सवालात के ज़ैल में उस नौजवान को समझाया, तो उसे बात समझ में आई, तो उस नौजवान ने कहा कि या रसूल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं बदकारी करने की आपसे इजाज़त मांगा, आइंदा से कभी ऐसा ख्याल भी नहीं लाऊंगा कि मैं कोई ऐसा नामुनासिब काम करूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस नौजवान के सीने पर हाथ रख कर दुआ दी, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़म्बहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु, अल्लाह इसके गुनाह को माफ़ फरमा, इसके दिल को पाक फरमा और इसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस दुआ का असर था कि उस नौजवान को हमने ज़िंदगी भर देखा,
کہ کبھی اس نے نہ کبھی بدکاری کا خیال کیا اور نہ کبھی اس نے کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اس واقعے سے ہم کو بھی سمجھایا گیا کہ تعلقات نامناسب رکھے جاتے ہیں تو کس قدر ذمہ دار گھر کے مرد بدنام ہوتے ہیں، گھر کے مردوں کو غصہ آتا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جس خاندان کی عورت سر جھکا کر چلتی ہے اس خاندان کا مرد سر اٹھا کے چلتا ہے۔ جس خاندان کی عورتیں سر اٹھا کے چلتی ہیں، مخنہ نکال کے، نقاب اور حجاب ہٹا کے لوگوں کو اور گلی اور کوچے والوں کو اور بازاریوں کو اپنا چہرہ اور حسن دکھاتی چلتی ہیں، ایک دن آئے گا کہ اس گھر کے مردوں کو شرم اور ذلت کی وجہ سے چہرہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ ان سے ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ اب اس کا باپ، اس کا بھائی سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب صحابہ اور صحابیات اسلام قبول کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح بیعت لیتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں، میں شرک نہیں کروں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا، تو ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ عورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت لینے کے لیے آتی تھیں، اسلام کی بیعت، تو اللہ کے نبی علیہ السلام خاص طور سے عورتوں کو کفر اور شرک سے پناہ مانگنے کی جہاں بیعت لیتے تھے، وہیں پر بدکاری سے بھی توبہ کی بیعت لیتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، وعدہ کرو، عہد کرو کہ تم بدکاری نہیں کرو گے، وعدہ کرو کہ تم اولاد کو قتل نہیں کرو گے، وعدہ کرو کہ تم کسی بھی مرد پر یا عورت پر بہتان اور الزام نہیں لگاؤ گے۔ یہ تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں پہلے سے یہ کام بہت زیادہ چلے آ رہے ہیں، بدکاری بھی عام تھی، بہتان اور الزام لگانا بھی عام تھا، اولاد کو اور بچوں کو قتل کر دینا بھی عام تھا، تو اس واسطے اللہ کے نبی نے وعدہ لیا ان سے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وعدے کے ضمن میں امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان عورت ہے وہ کبھی بدکاری نہیں کرے گی، جو بھی مسلمان عورت ہے وہ جھوٹا الزام نہیں لگائے گی، جو بھی مسلمان عورت ہے وہ ابارشن کرانے کو کبھی پسند نہیں کرے گی، بلا ضرورت کے کرانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ بدکاری کرتے ہیں گویا وہ کسی کا قتل کرنے کے برابر جرم کرتے ہیں، کسی آدمی کو قتل کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے اس کے برابر گناہ ہوتا ہے گویا کہ بدکاری کرنا۔ اسی واسطے مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گھٹیا اور گھناؤنا جرم جو شمار کیا ہے وہ ہے کسی کا ناحق قتل کرنا اور بدکاری کرنا۔ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں وہ ہے ناجائز تعلقات رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے ما من ذم بعد الشرك اعظم عند الله، شرک کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له، کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو ناجائز تعلقات رکھے۔ ایک حدیث میں اتنی سخت وعید آئی ہے نامناسب تعلقات رکھنے پر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ناجائز تعلقات رکھنے والا مرد ہو یا عورت ہو مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جس وقت وہ یہ حرکت کرتے ہیں ایمان ان کے سینے سے چھن جاتا ہے، ایمان ان کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ اس وقت مومن نہیں رہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
चार गवाह पेश करे कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ है। तो हज़रत साद बिन उबादा ने, जो बहुत गैर मामूली गयूर थे, गैरतमंद थे, फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, एक मर्द अपनी औरत को दूसरे मर्द के साथ देख रहा है तो उसकी गैरत कैसे गवारा करेगी कि और चार लोगों को लाकर दिखाए। उस वक्त तो वो आदमी तलवार लेकर दोनों के टुकड़े कर देगा कि अगर किसी की औरत इस तरह किसी गैर मर्द के साथ हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबी की ये बात सुनी तो फरमाया, साद, तुम्हारी गैरत पर लोगों को ताज्जुब क्या हो? अल्लाह गवाह है, मैं खुद तुमसे और तुम पूरी दुनिया की मखलूक से बड़ा गैरतमंद हूँ, और अल्लाह ताला तो सबसे ज़्यादा गैरतमंद है। इसी वास्ते कोई बुराई अल्लाह के नज़दीक जायज़ नहीं है। अल्लाह ने तमाम बुराइयों को हराम इसी वास्ते किया कि अल्लाह बुराई को पसंद नहीं करते, वो बड़े गैरतमंद हैं। और हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा खुतबा देते हुए फरमाया, बदकारी करने का जो अंजाम है, उसका जो गुनाह और वबाल है, अगर तुम लोगों को मालूम हो जाए कितना है तो तुम हंसने से ज़्यादा रोने को पसंद करोगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाकिया आप सब लोगों को मालूम है। कुरान मजीद में सूरह यूसुफ़ में अल्लाह ताला ने उसका ज़िक्र फरमाया है। ख़ुलासा उसका यह है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में बेचा गया और ख़रीदने वाले अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद कर अपनी बीवी ज़ुलेखा के हवाले सुपर्द कर दिया, उन्हीं के घर में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन से पले बड़े हुए, जवान हुए। जवान होने के बाद जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पाल कर बड़ा किया, वही औरत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल को देखकर फरेफ्ता हो गई, उनकी आशिक हो गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बदकारी करने की दावत दी और सात बंद कमरों के दरमियान अंदर खिड़कियां और दरवाज़े बंद करके कोई ना देखे, जिसके घर में बचपन से पले बड़े हैं वहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत देने लगी। ऐसे मौके पर जबकि बुराई आसान भी है, जवानी भी है, और ख़ुद औरत पहल कर रही है, और कोई घटिया किस्म की औरत नहीं है, ऊंचे ख़ानदान की है, अज़ीज़ मिस्र की बीवी है, तो उसके बावजूद भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने दामन को पाक रखा, आसमान की तरफ देखते रहे। फरिश्ते भी देखते रहे कि याकूब अलैहिस्सलाम का ये चश्म चराग क्या करेगा। शैतान तो पूरे हमले कर चुका था औरत की तरफ से, और शैतान की तरफ से पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अब बचना बंदे को है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुतालिक ज़िक्र फरमाया, قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون, अल्लाह की पनाह, मेरा मुहसिन मेरा बहुत खैरख्वाह है, उन्होंने मुझे ख़रीदा, मुझे अपने घर में पाला, मैं अगर ऐसी हरकत करूँगा तो मैं ज़ालिम हो जाऊँगा। बदकारी करने वाला दर हकीकत ज़ालिम होता है, बदकारी करने वाला दर हकीकत ज़ालिम होता है, और ज़ालिम शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता। ख़ुलासे के तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी का ख़ुलासा यह है, नाजायज़ ताल्लुकात बहुत ही हराम अमल है शरीयत की नज़र में। हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सख्त अज़ाबात बयान फरमाए हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल क़ियामत में अल्लाह ताला तीन लोगों को रहमत की निगाह से नहीं देखेगा और तीन लोगों का हिसाब किताब मुश्किल कर देगा। उनमें से एक आदमी वो है जिसकी उम्र ढलती जाती है लेकिन वो बदकारी करना नहीं छोड़ता है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा फजर की नमाज के बाद लोगों के सामने अपना ख्वाब बयान फरमाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं एक ख्वाब में देखा, आज की रात दो आदमी मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़कर मुझे बैतुल मक़दिस ले गए और मुझे बहुत से अजाबात दिखाए। वहाँ मुझे एक अजाब ये दिखाया कि एक बहुत बड़ा गड़ा है जिसमें आग जल रही है और उसका मुंह तंग है, अंदर से वो गड़ा बहुत बड़ा है। उस गड़े के अंदर मैंने देखा कि नंगे मर्द और औरतें आग में झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। आग जब भड़कती है तो वो मर्द और औरतें आग के किनारे आते हैं, गड़े के ऊपर आते हैं।
फिर आग उन्हें खींच कर अंदर ले जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फरिश्तों से कौन लोग हैं, फरिश्तों ने जवाब दिया वामर रिजाल वन निसा व अलौरात अल्लदीना फी मिस्लि बिनाई तन्नूर फइन्नहुम अज़्ज़ुनात वज़्ज़वानी। आपने जिन मर्दों और औरतों को इस गड़े में देखा है जलते हुए, ये बदकारी करने वाले मर्द और बदकारी करने वाले औरतें हैं। सख्त अज़ाब बयान फरमाया इस अमल पर। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितना डरने का मकाम है। देखें एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अला उहद्दिसुकुम हदीसन समीअतुहु मिन रसूलिल्लाह। हज़रत अनस फरमाते हैं क्या मैं एक हदीस सुनाऊँ तुमको, मैंने अल्लाह के नबी से सुनी है। और सुनो ला युहद्दिसुकुम अहदुम बादी समीअहु मिन, और मेरे बाद तुम्हें यह हदीस कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा। क्या है हदीस वो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़ियामत के करीब ऐसा होगा कि लोग जाहिल जाहिल बनते जाएंगे, इल्म उठ जाएगा और लोगों में बदकारी आम हो जाएगी, शराब आम हो जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे फितने पैदा करेंगे जिसकी वजह से मर्द इंतकाल होते जाएंगे और औरतें ज़िंदा रहेंगी, हत्ता के पूरी फैमिली में एक मर्द रहेगा और 50 औरतें रहेंगी। पूरी फैमिली में एक ही मर्द रहेगा और 50 औरतें रहेंगी। बदकारी करने, नामुनासिब हादिसात, जंग व जिदाल, इन सब वाक़ियात की वजह से ये नौबत आ जाएगी कि औरतें रहेंगी और मर्द दुनिया से चले जाएंगे, जिसके नतीजे में बदकारी फैलना शुरू हो जाएगी। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुनो फल आयनानी जिना हुमा नज़र, आँखें भी बदकारी करती हैं। आँखों की बदकारी ये है कि आदमी गलत चीज़ देखे। यहाँ उलमा लिखते हैं मोबाइल में यूट्यूब में बहुत से बयानात आते हैं उलमा इकराम के। उलमा लिखते हैं कि ख़वातीन को भी यूट्यूब में आने वाले उलमा इकराम का चेहरा देखना भी जायज़ नहीं है। जब आप बताएं उलमा का चेहरा देखना भी जायज़ नहीं है तो आम लोगों का चेहरा देखना कैसे जायज़ होगा? और बराहे रास्त देखना तो दूर की बात, यूट्यूब में आने वाले चेहरे देखना जायज़ नहीं है तो बराहे रास्त चेहरे कैसे देखे जाएंगे? इसी वास्ते शरीयत में देवर से पर्दा, जेठ से पर्दा, पड़ोसी से पर्दा, दूध वाले से पर्दा, अखबार वाले से पर्दा, वॉचमैन से पर्दा, इन सब से पर्दा और चेहरा छुपाना ज़रूरी है। हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कान भी बदकारी करते हैं, कानों का भी जिना होता है, और वो है किसी की गीबत सुनना, किसी की बुराई सुनना। औरतों में ये बात पाई जाती है दूसरों की बुराई सुनने में काफ़ी मज़ा आता है। वल्लिसानु ज़िनाहु अल-कलाम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़ुबान भी बदकारी करती है, और ज़ुबान की बदकारी ये है कि आदमी गंदी बातें करे। और हाथ भी बदकारी करते हैं, और हाथ की बदकारी ये है कि आदमी गंदी चीज़ों को हाथ लगाए। और पैर भी बदकारी करते हैं कि पैर की बदकारी ये है कि आदमी उस बुराई की तरफ चल के जाए। और दिल भी बदकारी करता है, दिल की बदकारी कैसे है, दिल का ज़िना कैसे है कि दिल में बैठे बैठे किसी का ख्याल ला लेना, उसके बारे में सोचते रहना। लड़का बैठे बैठे किसी लड़की के बारे में सोचते रहा, लड़की बैठे बैठे किसी लड़के के बारे में सोचती रही, ये दिलों का ज़िना है और बदकारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक हदीस में इतना सख्त अजाब बयान फरमाते हैं कि मैंने अजाबात में से एक अजाब ऐसा भी देखा कि मैं एक ऐसी कौम के पास से गुज़रा कि जिनकी बदबू बहुत फैली हुई थी और उनकी बदबू नजासत भरे बैतुल खला से भी ज़्यादा गंदी थी। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं जिनसे इतनी गंदी बदबू आ रही है? तो फरिश्तों ने मुझसे कहा हा उलाई जानून व जवानी, ये आपकी उम्मत के बदकार मर्द और बदकार औरतें हैं, इनसे इनके जिस्म से इतनी बदबू आ रही है कि जहन्नमियों को भी उनकी बदबू से तकलीफ़ होती है। आज के लड़कियां और आज के कॉलेजेस के हालात जब देखे जाते हैं तो किस कदर अफसोस होता है, मुसलमान लड़कियां किस कदर गफलत और धोखे में मुब्तला होती जा रही हैं। अभी बहुत ही अफसोस की बात यह है, यहीं आपके पड़ोस के महल्ले में
कल की ही खबर है, कितनी शर्म की बात है, एक मुसलमान एरिए में जहाँ फैमिलीज रहते हैं, ख़ानदान के लोग बहू बेटियाँ रहते हैं, बिल्कुल कॉलोनी में, एक है कि भाई कमर्शियल एरिया है, आने जाने वाले लोग हैं, ढाबा है, हाईवे है, वहाँ कोई बात समझ में आती है, अगरचे कि बुराई बुराई है कहाँ भी हो, लेकिन कॉलोनीज है जहाँ पर फैमिलीज रहती हैं, वहाँ पर एक मुसलमान घराना अपने मुसलमान घर में महल्ले की दूसरी औरतों और मर्दों का इस तरह का मुस्तकिल बिजनेस चलाते हुए पकड़ा गया। न्यूज़ चैनल में बुर्का पहनी वाली तीन औरतें और मुसलमान नाम के दो तीन मर्द उस घर से पुलिस वाले पकड़कर गिरेबान पकड़ के खींचते हुए ले जा रहे हैं। औरतों की भी इज्जत जा रही है, मर्दों की भी इज्जत जा रही है, और सब के सब मुसलमान हैं। और ये कहाँ हो रहा है? बिल्कुल आपके इस महल्ले के बाजू वाले महल्ले में, कॉलोनी में हो रहा है। किस कदर अफसोस की बात, मुझे तो बहुत हैरानी हुई कि उस ये घर जिस घर में ये हरकत हो रही थी वो घर मस्जिद की दीवार से बिल्कुल लगा हुआ है, यानी मस्जिद की दीवार और घर की दीवार दोनों एक है। बस आप किस कदर ताज्जुब की बात है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो सबसे पहले अल्लाह ने इंसान की इज्जत को पैदा किया, इंसान की शर्मगाह को पैदा किया, और अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरी अमानत है, इसे गलत जगह पर इस्तेमाल करने पर मैं सख्त अज़ाब दूंगा। इसी वास्ते अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस की तफसीर में हज़रत आता खुरासानी फरमाते हैं, इन्नल जहन्नम सबातु अबवाब, जहन्नम के सात दरवाज़े हैं, अशद्दुहा गम्मन व करबन व हर्रन वंतनुहा रीहन लिज़ुनातिल्लतीन रकिबू बादल इल्म। सुनो, जहन्नम के सात दरवाज़ों में से सबसे गमनाक, अंदोहनाक, गरम, सबसे ज़्यादा बदबूदार दरवाज़ा वो है जहाँ से दुनिया में बदकारी करने वाले मर्द और औरतों को दाखिल किया जाएगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने पड़ोस में रहने वाली औरत या पड़ोस में रहने वाले मर्द के साथ गलत ताल्लुकात कायम कर ले। चूँकि पड़ोस में रहने वाले लोगों पर भरोसा किया जाता है, जिस पर भरोसा किया गया वही अगर उसने इज्जत लूट ली या उसकी इज्जत चली गई, ये सबसे बड़ा जुर्म और गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बदकारी करने वाले लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हत्ता कि वो रात भर अल्लाह के सामने तड़प तड़प कर दुआ मांगते हैं, लेकिन आसमान का एक दरवाज़ा भी उनके लिए नहीं खुलता कि उनकी दुआ कबूल की जाए, जब तक कि वो उस गुनाह से तौबा नहीं कर लेते जिस गुनाह में मुब्तला हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल का एक वाकया बयान फरमाया जिसमें ये ताकीद फरमाई कि जो लोग बदकारी से बचते हैं अल्लाह ताला उन्हें बहुत बेहतरीन इनाम अता फरमाते हैं। चुनांचे बनी इसराइल के तीन आदमी कहीं जा रहे थे, अचानक बारिश होना शुरू हुई, बारिश से बचने के लिए तीनों एक गार में चले गए, अचानक तूफान आया और गार का दरवाज़ा बंद हो गया, बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ये तीनों अंदर गार में हैं, कोई पुकारे तो आवाज़ बाहर नहीं जाती, कोई देखने वाला नहीं है, सबको अपनी मौत का इंतज़ार होने लगा। तीनों ने मिलकर इरादा किया कि हम जो भी कोई नेक काम किए हैं अल्लाह की खातिर किए हों तो उस नेक काम का वसीला और वास्ता देकर अल्लाह से मांगें कि अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से बचा ले, इस मुसीबत से छुटकारा दे दे। उन तीनों में से एक आदमी ने दुआ मांगा, अल्लाह मैं अपने ख़ानदान में चचेरी बहन से मोहब्बत करता था, एक मर्तबा ऐसा आया कि उसके घर में फाका और गरीबी थी, वो गरीबी और फाके की हालत में मुझसे मदद मांगने के लिए आई, मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उससे कहा कि पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो बेचारी गरीबी की वजह से इसके लिए तैयार हो गई। जब मैं उसके करीब गया उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह से डर, ऐसा काम न कर, कल के दिन हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है। जब उस लड़की ने अल्लाह का हवाला दिया तो मैं फौरन वहाँ से चला आया और पैसे भी उसके हवाले कर दिया। अल्लाह मैं जो उस गुनाह से बच गया हूँ उस गुनाह के वसीले से हमें इस गार से निकाल दे, तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई और उसे गार से नजात दिला दी। तो गुनाह से बचने पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं,
गुनाहों में मुब्तला कौम की अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं करते हैं। और हदीस में आता है जब कोई कौम ऐसे घटिया काम में मुब्तला हो जाती है, अल्लाह उस कौम के अंदर अजीब अजीब बीमारियां पैदा कर देते हैं जो बीमारियां हमने कभी सुनी भी नहीं होगी, ऐसी बीमारियां अल्लाह ताला पैदा कर देते हैं। इस वास्ते हमें पर्दे का बहुत एहतमाम करना चाहिए, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की फ़िक्र करना चाहिए। आगे तफसीर में आज दो बातें मालूम हुई। पहली चीज़ तो ये मालूम हुई कि कुरान मजीद की यह सूरत जब नाजिल हुई तो उस वक्त अरब का माहौल क्या था। दूसरी बात ये मालूम हुई कि बदकारी करने में पहल अगर होती है तो औरत की तरफ से होती है, तो औरतों को सबसे ज़्यादा महफूज रहने की कोशिश करना चाहिए। तीसरी बात ये मालूम हुई बदकारी और नामुनासिब ताल्लुकात का अज़ाब कितना ख़तरनाक है और उससे क्या क्या बीमारियां पैदा होती हैं। और आम तौर से आखिरी बात यह समझ लें कि बदकारी होती क्यों है। बदकारी होने की पहली वजह यह है कि को सिस्टम, लड़के लड़कियां मर्द औरतें साथ रहना जब शुरू होते हैं तो बदकारी हो जाती है। ऐसे ही अकेले में रहना, नौजवान लड़का नौजवान लड़की घर में अकेले हों, ऑफिस में अकेले हों, होटल में अकेले हों, अकेले अगर लड़का लड़की होते हैं तो भी ये गुनाह हो जाता है। औरतें ज़रूरत से ज़्यादा फैशन परस्त हो जाती हैं, जेब जीनत वाली हो जाती हैं, बन सवर कर लोगों के सामने आने की आदत हो जाती है तो ये गुनाह होना शुरू हो जाता है। देर से अगर निकाह होता है तो ये गुनाह हो जाता है। अगर शादी ब्याह में रसूमात की भरमार होती है तो फिर लोग शादी के बजाय बदकारी की तरफ जाते हैं। और गरीबी की वजह से ये गुनाह भी होते हैं, बहुत से असबाब हैं जिसकी वजह से इस तरह के गुनाह हो जाते हैं। तो हमें इन गुनाहों के असबाब से भी बचना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।